आई एम सो हैप्पी बिकॉज यू नो जो आर्नेट है जिसका सॉन्ग है उसका लास्ट सॉन्ग 230 million गया था सो आई एम होपिंग कि ये भी उतना ही जाएगा इट्स जस्ट स्टार्ट और चार दिन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आई एम सो हैप्पी सो थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस हु आर लाइकिंग दिस सॉन्ग जी इसमें जो स्टोरी है उसमें ये है कि लड़की को रिश्ता आता है एंड हर फादर वॉन्ट्स हर टू गेट मैरिड टू सम NRI बट वो चाहती है कि वो आर्नेट से ही शादी करे और लेकिन उसके फादर सोचते हैं कि वो एक गुंडा है सो ही नेवर वांट्स हर टू गेट मैरिड टू हिम सो पूरी उसमें यही स्टोरी चल रही है एंड एंड में ही इज अग्रीइंग टू इट बिकॉज ही सी यू नो लाइक पीपल आर टॉर्चरिंग हर एंड ही इज सेविंग हर तो अच्छा है सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी विद अ नाइस सॉन्ग बंदूक लेके जो आपका जो बॉयफ्रेंड है बंदूक लेके घूमता है तो असल में क्या ऐसी लड़कियां चाहती है कि ऐसा उनका हस्बैंड हो क्या कहना चाहिए एक्चुअली वो लड़की थोड़ी फिल्मी है जो मुझे डायरेक्टर ने बताया था कि वो मतलब वो जो कैमरा पे देखती है जो स्क्रीन पे देखती है कि हीरो कैसे यू नो चलता है विद द गन एंड ऑल तो शी एक्सपेक्ट द सेम थिंग इन रियल लाइफ तो वो यही सोचते हैं कि मेरी जिससे भी शादी हो वो ऐसा ही हो मतलब गन वन लेके चले एंड शी गेट्स वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ठंड में शूट किया अभी लास्ट वीक ही हमने शूट किया था सो इट वॉज वेरी कोल्ड इन चंडीगढ़ एंड या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल दो ओके अगर हम बात करें 10 million क्रॉस होना इतने कम समय में ऑर्गेनिक व्यू है क्या कहना चाहेंगे उसको लेके मतलब इतना प्यार मिलना क्या कहना चाहेंगे बहुत खुश हूँ थैंक यू ऑल द ऑडियंस हु आर लविंग द सॉन्ग हु आर वॉचिंग इट और प्लीज़ गाइज रील्स बनाओ क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है इट मेक्स यू हैप्पी एंड इट मेक्स एवरी वन हैप्पी अराउंड यू ओके आपके फैशन को आप लोग फॉलो करेंगे कि आप पंजाबी कुड़ी पंजाबी ड्रेस आप पहन रहे तो कहीं ना कहीं फैशन को लेके बिकॉज पंजाबी सूट्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स ट्रेंडी एंड मेक्स यू लुक मोर ब्यूटीफुल सो माई लुक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड मैं पंजाबी हूँ तो मुझे तो आदत है सूट वूट पहनने की बट यू नो पीपल हैव नॉट सीन मी इन पंजाबी बिफोर क्योंकि मैंने पंजाब में आज तक कभी काम नहीं किया दिस इज माई फर्स्ट वर्क एंड होपफुली आगे भी मैं बहुत सारा काम करूँगी पंजाब में सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सॉन्ग क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी सॉन्ग है भंगड़ा टाइप सॉन्ग है एंड पीपल आर लविंग इट सो मच पीपल आर मेकिंग मुझे दिन में कम से कम 100-200 लोग रील्स बना के टैग करते हैं सो आई एम सो हैप्पी एंड सम पीपल आर वेरी स्मॉल किड्स छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट क्यूट डांस करते हैं इस पर एंड आई लव दैट सो मच मैं भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ मैं बहुत खाती हूँ बट येस आई डू योगा आई डू जिम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना खा रही हूँ मैं उतना उसको कट डाउन भी करूँ एंड आई ट्राई टू मेंटेन माई सेल्फ अकॉर्डिंगली आपका डायर भी बहुत सुंदर है कुछ आप बताना चाहिए दिस इज़ डिज़ाइन बाई वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड एंड शी डिज़ाइन दिस आउटफिट फॉर मी एंड शी डिज़ाइन इट वेरी लॉन्ग बैग मैंने कभी पहना नहीं था बट टुडे आई गॉट द चांस टू वेयर इट ओके अपार्ट फ्रॉम दिस आज आपको अवार्ड मिलने वाला है कितनी खुशी महसूस होती है अवार्ड मिला फैंस से तो आपको बहुत ही अच्छा रिएक्शन हमेशा मिलता है लेकिन आज अवार्ड मिला है क्या कहना चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा इवेंट भी हो रहा है सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड गेट माय अवार्ड आई थिंक कैलेंडर इज आल्सो लॉन्चिंग एंड आई एम देयर जी आई एम देयर स्नेहा ने किया है मुझे लॉन्च अपने कैलेंडर में एंड आई एम एक्साइटेड टू सी दैट कैलेंडर ओके क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस जो कैलेंडर एक्चुअली आई कुडंट मेक फॉर द कैलेंडर शूट सो आई सेंड माई पिक्चर्स टू हर एंड शी लॉन्च दैट इन द कैलेंडर सो आई शॉट इट समवेयर एल्स बट इट्स कमिंग इन द कैलेंडर थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग माई सॉन्ग आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू शावर्ड सो मच लव ऑन तेरी लाइफ मेरी लाइफ एंड कीप वॉचिंग मी आई लव यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी